हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि भाई लाठिए खाली चलाइएगा कि ज्ञान भी कुछ है। और भाजपा के तो बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पीड़ितों के पक्ष में अगर है तो कानूनी प्रक्रिया में न्यायालय जाने से परहेज क्यों कर रही है। कटिहार के बारसोई का जो कांड हुआ है वो दुखद, पीड़ाजनक और मर्मांतक है। जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कहा गया है कि अपराधी के गोली से वह दुखद मौत हुई, गोली चलाने वाले से। अब जिला प्रशासन की यह विहित जिम्मेवारी है कि आप उनकी शिनाख्त करिए, वो कौन है, उसके पीछे कौन लोग खड़े हैं, यहाँ तक जिला प्रशासन का दायित्व है। केवल यह बोल देने से काम नहीं चलेगा कि कौन किसने गोली चला है, गोली चलाने वाले को आइडेंटिफाई करना और उसके अगर कोई साजिश है तो उसका भी पर्दाफाश करना। और हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि भाई लाठिए खाली चलाइएगा कि ज्ञान भी कुछ है। अगर आपको जिला प्रशासन की जांच पर भरोसा नहीं है तो आपको यह अधिकार है कि आप न्यायालय जा सकते हैं। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर इनको भरोसा नहीं है? मीडिया में जो बयान देते हैं तो अगर पीड़ित के पक्ष में है, वो पीड़ित से संवेदना उनकी है, जिला प्रशासन के बयान पर उनको भरोसा नहीं है तो न्यायालय जाने का हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। और भाजपा के तो बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? मदद करनी चाहिए भाजपा को। इसका मतलब भाजपा वारसोई गोली कांड के पीड़ितों के साथ न्याय नहीं बल्कि उस पर राजनीति का मुद्दा तय करना चाहती है। पीड़ित परिवार की संवेदना के साथ हम हैं, पीड़ित परिवार के लिए जो हम कर सकते हैं वह भी हम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीड़ितों के पक्ष में अगर है तो कानूनी प्रक्रिया में न्यायालय जाने से परहेज क्यों कर रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।